कोरोना के चलते देश भर में चार बार लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। इस बार लॉकडाउन को अनलॉक वन का नाम देकर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की गई है। अनलॉक वन के चलते कारोबारियों को भी राहत मिली है। अनलॉक वन के दौरान एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजार को भी कुछ शर्तों के साथ शुरू किया गया है। काफी लंबे समय तक सूरत का ये कपड़ा बाजार वीरान पड़ा हुआ था और अनलॉक वन के आगाज के बाद फिर कपड़ा बाजार में रौनक लौटी है, लेकिन व्यापारियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि आपको सैनिटाइज करना है, मास्क पहन के नहीं आवे, उसको एंट्री नहीं देनी है, सर्दी खांसी बुखार डायरिया इस टाइप के इनको एंट्री नहीं देनी है, कंटेनमेंट जोन से कोई भी लेबर हो या व्यापारी वो नहीं आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दुकान में चार जन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये पालन जो नहीं करेगा उसकी दुकान को सील किया जाएगा। इसके अलावा जिस मार्केट एसोसिएशन में ऐसा पालन बल्क में नहीं होता है उस मार्केट को भी सील किया जाएगा। तो सरकार की चेतावनी हमें स्पष्ट रूप से गई है, अब पालन करना मार्केट एसोसिएशन और फौजदार अधिकारियों के हाथ में है कि उसको कैसे फॉलो करवाते हैं, लेकिन ये हमें जागरूकता रखनी ही पड़ेगी। सूरत के अलग अलग इलाकों में कपड़ा बाजार मौजूद है। सरकार ने शर्तों के अधीन शहर के रेड जोन इलाकों में आने वाले कपड़ा मार्केटों को छोड़ के सभी कपड़ा मार्केट शुरू करने की इजाजत दी है। मार्केट आज 40% चालू हुआ है, वैसे 185 मार्केट है, 72 दिनों के बाद ये रिंग रोड खुला है, रिंग रोड पे 150 मार्केट है, तो एक चेहरे पे खुशी का माहौल व्यापारियों के, लेकिन ऑड इवन का सिस्टम किया, सरकार के आदेशों अनुसार पालन किया जा रहा है, सैनिटाइज का है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन का वो प्रयोग किया जा रहा है, सर्दी खांसी बुखार वालों को नहीं आने दिया, विशेषकर कंटेनमेंट जोन से रेसिडेंस से कोई भी लेबर या ओनर है उसको आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रौनक नहीं है, लेकिन लोगों के चेहरे पे खुशी है। सूरत कपड़ा बाजार शुरू तो हो गया है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के पलायन की वजह से कुछ चहल पहल कम हो रही है। टोटल 65,000 व्यापारी हमारे सूरत यहाँ पे है, 185 मार्केट है, 25% व्यापारी जैसे राजस्थान एमपी ये नियर अबाउट के व्यापारी 25% व्यापारी मार्केट में नहीं है, 25% व्यापारी ऐसे भी है जो आज पहले दिन आना नहीं चाहे, वो सोचे कि कहीं भीड़ नहीं हो जावे। और रही बात लेबर की, तो मैं मार्केट की लेबर की बात करूँ, दुकानों पे काम करने वाली लेबर प्लस कटिंग पैकिंग करने वाली लेबर, उसका ट्रांसपोर्ट में माल डालना बिल्टी लाना, वो लेबर मार्केट के 4 लाख है, तो उसमें से 80% अभी भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यूपी बिहार वाले सारी वो जो ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले वो कोई भी नहीं है, राजस्थान नज़दीक में होने से एमपी नज़दीक में होने से वो भी लेबर नहीं है, तो 80% में से अभी 4 लाख में से 80% लेबर आज की तारीख में मार्केट में नहीं है। सूरत से संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट, गुजरात तक।